के बात अब तक बनी हुई गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की रूपरवर तकरीब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर सूबाई वज़ीर सनत व तजारत मियां असलम इकबाल और महकमा औक़ाफ के हुक्काम की शिरकत मज़ार मुबारक को अर्क गुलाब से गुस्ल दिया जाएगा नात खानी और दुरूद व सलाम की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर अकीदतमंदों की मज़ार पर आमद का सिलसिला जारी सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। कत्ले हुसैन असल में मरकए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला को खराजी अकीदत पेश। शहर भर में शहदाए करबला की अजीम और लाजवाल कुर्बानी की याद में नवी मुहर्रम उल हराम की मजालिस अज़ा और जुलूस। आज़ादारों की गमे हुसैन और शहदाए करबला की याद में मातमदारी नोहा कौनी। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दमा। हजारों अजादारों की गमे हुसैन में नोहखानी और मातमदारी। नूरी बिल्डिंग में अल्लामा हसन अब्बास नकवी की इमामत में नमाज जोहरैन अदा की गई। जुलूस आलमगीर रोड सराज बिल्डिंग और पुरानी अनारकली से होता हुआ खैमा सादात पहुंचेगा। जुलूस में शामिल होने के लिए अजादारों की एंट्री पॉइंट्स पर लंबी कतार। अब्बास कहते हैं मुझे, अब्बास कहते हैं मुझे, अब्बास कहते हैं मुझे, अब्बास कहते हैं। हुसैन अहले वफा की बस्ती, हुसैन आई के आईने हक परस्ती। इमाम बारगाह अतिया अहले बैत निकलसन रोड से बरामद होने वाला शबीह गुलजना और ताजी का जुलूस एहतमाम पजीर। सैकड़ों आजादारों की गमे हुसैन में मातमदारी नोहफानी। इमाम पाड़ा अतिया अहले बैत में मजलिस अजा का एहतमाम। अलामा जुल्फिकार हुसैन नकवी ने फजाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। शातमाम इमाम बाड़ा कसरे बतूल में मजलिस अजा के बाद शबीह जुलजना का जुलूस बरामद। सैकड़ों अजादार गमे हुसैन में गिरियाजारी और सीना कोबी। शहदाए करबला की प्यास की याद में जगह जगह दूध पानी और शरबत की सबीलें। अजादारों में न्याज और लंगर तकसीम। हलीम और बिरयानी की देगें तैयार। मजंग में दो भाइयों की लंगर तकसीम करने की रिवायत बरकरार। लंगर के लिए 200 देगें पकाई। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का कंट्रोल रूम का दौरा, मॉनिटरिंग के आमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक की ब्रीफिंग। अब्दुल अलीम खान की सिक्योरिटी और दीगर सहूलतें यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर दुरानी का सेक्रेटेरिएट में महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। आशूर पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। नवी महर्रम के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। जुलूस के रूट से मुत्तसिल रास्तों पर खारदार तारें और वॉक थ्रू गेट्स नस्ब। छतों पर स्नाइपर्स तायुनात। शहरियों को जमा तलाशी के बाद जुलूस में शामिल होने की इजाजत। डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक का जुलूस के रूट का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो बस सर्विस का रूट भी महदूद। कंट्रोल रूम से जुलूसों और मजालिस की हर पल मॉनिटरिंग। फजाई निगरानी भी होगी। जुलूसों के रूट्स के एतराफ के ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए भी इंतजाम। 2 SP, 4 DSP और 310 ट्रैफिक वार्डन्स तैनात। नवी मुहर्रम पर शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। साले सवाब के लिए फातिहा खानी फूल भी रखे गए। शहरियों की बड़ी तादाद कब्रों की सफाई सुथराई और मरम्मत करने में मसरूफ।
पटियाला जेल से रिहाई के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाती उम्र में मौजूद। बेगम कुलसुम नवाज के कब्र पर हाजिरी फातह खानी की। नवाज शरीफ हफ्ते को लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली, अदालतों का फैसला है। अदालतों के फैसले तस्लीम करते हैं। सजा मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना नैब का काम है, हमारा नहीं। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। वजीर आजम ने सादगी और किफायतचारी की मिसाल कायम की है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से अरकानी असम्बली और तहरीक इंसाफ के अहदेदारों की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर इंसानी हुकूक आलम एजाज और वजीर कानून पंजाब राजा बशारत से यूरोपीय यूनियन के वफद की मुलाकात। एंटी करप्शन और नैब की कारकर्दगी से मुतालिक वफद को ब्रीफिंग। इंसानी हुकूक और अकलियतों के लिए किए गए इकदाम पर तबादला ख्याल।